सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 24 जुलाई 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:09 हो रहे हैं. तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. हमने लास्ट वीक से एक निफ्टी में एक फॉल आते हुए देखा है, तो जो सपोर्ट के लेवल्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एक एक ये ब्रेक कर रहा है. तो अभी अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ और एक्सटेंड होता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ सकते हैं, और कहाँ पर अगर ये पुल बैक आता है तो कहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. और एक बात है ट्रेडिंग फैब के बारे में आपको मैं बता दूं. ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है. अगर आप इन तीनों में से, ये जो ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो आपको ट्रेडिंग फैब के जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको लाइफ टाइम के लिए एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है. तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और जो फॉर्म ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपका नाम, मोबाइल और ईमेल आईडी एंटर करना है और जस्ट यहाँ पर सेंड करना है. तो जैसे ही डीमैट अकाउंट से आपको कॉल आ जाएगा तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू की जाएगी. एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपको हमारे प्रीमियम चैनल्स में ऐड कर सके. यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है. तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो. चलते हैं कल का रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है 23 जुलाई का, आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है. कल के वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,365 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,298. तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का ये जो डेटा है ये हमें कल का कैंडलस्टिक का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के पास ही ओपन हुआ और सडन यहाँ से एकदम टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा, और उसके बाद यहाँ पर दो बार इसने इस ब्रेकआउट लेवल को रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस फेस किया इसी के पास. काफी एक्यूरेट साबित हुआ ये लेवल, और जैसे ही ब्रेक किया और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,396 ये यहाँ पर अचीव हुआ, और एग्जैक्ट यहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ घूम गया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड देखने को मिला, हरे निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो लंदन मार्केट, जर्मन मार्केट और फ्रांस मार्केट तीनों भी हरे निशान में बंद हुए. एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 100 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. हांगकांग मार्केट 279 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट में भी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 15 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं. हो सकता है ये पुल बैक हो, यहाँ से अगर अप ट्रेंड में इसको एक्सटेंड करना है तो तीनों शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक डिसीजिव मूव देखना पड़ेगा, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव यहाँ से शुरू हो सकती है. चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी का वीकली चार्ट. अगर आप हमें कई दिनों से अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था. उसके बाद में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का ये जो पैटर्न है इसका कन्फर्मेशन हमें इस ये जो नेक्स्ट बियरिश कैंडलस्टिक है यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन मिला, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर सपोर्ट आ रहा था 20 में उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला. तो एक एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दिए. तो अभी ये फिलहाल टूवर्ड साउथ की तरफ ये जर्नी शुरू है. तो अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल एज पर वीकली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं,
तो यहाँ पर 11,227 के पास ये 50 EMA आ रहा है वीकली चार्ट में, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। और ऊपर में जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 EMA का 11,525 के पास है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सो इस वीक ये इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो सकता है। कल हमने इनसाइड बाय ट्रेडिंग देखने को मिला था, देखते हैं वो डेली चार्ट में। अभी फिलहाल यहाँ पर इस शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में निफ्टी इंडेक्स फंसा हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये 50 EMA को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से और भी टुवर्ड्स 100 EMA तक ये टुवर्ड साउथ वर्ड मूवमेंट और भी यहाँ से लंबा हो सकता है। ठीक है, तो ये डेली वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते डेली चार्ट में। डेली चार्ट पर यहाँ पर 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेजेस को प्लॉट किया है, आप देख सकते हैं दो दिन हो गए इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 200 डेज का सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ पर ये ऐसे में अभी 11,129 के पास आ रहा है 200 डेज का, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर अभी फिलहाल सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। बाउंस बैक यहाँ से होने की उम्मीद है, क्योंकि नीचे RSI को भी देखे तो लास्ट टाइम ये इस लेवल से यानी ऑलमोस्ट 30 के लेवल से यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था। पास्ट में भी आप देख सकते 30 के लेवल पे आने के बाद ऊपर ये यहाँ से अपसाइड मूव दिखा था यहाँ तक, अभी ये फिर से एक बार यहाँ पर आ चुका है 30 के पास, ये देखिए। तो हो सकता है एक यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिले यहाँ से ये अपसाइड। अभी अभी तक यहाँ पर अपसाइड का प्राइस एक्शन में कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन RSI दिखा रहा है कि ये ओवर सोल्ड जोन के पास आ गया है, तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अभी तक प्राइस एक्शन में कोई इसका सिग्नल नहीं मिला है। सपोर्ट टेस्ट कर रहा है 150 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज का। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर ये 100 EMA ये अराउंड 11,532 के पास है, हमने वीकली चार्ट में देखा था 20 EMA भी अराउंड 11,525 के पास है, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। अभी ये हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर ये लोअर हाइस और लोअर लो बना रहा है, ये ऐसे ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, डाउन ट्रेंड हमेशा ऐसे चलता है। अभी अपसाइड अगर हमें देखना है तो यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए कुछ इस तरह से, ये ऐसे। अगर ये ऐसे राइजिंग बॉटम्स फॉर्म होते हैं तो हम यहाँ पर एक कंफर्मेशन, एक सिग्नल मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है, और एकदम कंफर्मेशन हमें जब तक ये इस प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर हमें एकदम कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट के लेवल के पास है डेली चार्ट में, और नीचे RSI ओवर सोल्ड जोन के पास है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक। ये अप ट्रेंड नहीं होगा, ये रिकवरी होगी। ठीक है, तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। वीकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल हमने देखा था एक इनसाइड बाय ट्रेडिंग हो रहा है, ये डेली चार्ट में हम देख सकते हैं। ये जो मंडे का हाई और लो था, हाई था 11,398 और लो था 11,300, तो कल यानी ट्यूसडे को भी हाई सेम 11,398 और लो भी 11,302, तो इनसाइड बाय ट्रेडिंग हुआ है, काफी चॉपी मार्केट था। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है, अभी आप देख सकते हैं ये इस फॉल के बाद अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज पैटर्न बन रहा है। ये रेंज को अगर ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड का शॉर्ट टर्म ट्रेंड होगा, क्योंकि 60 मिनट के चार्ट में हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये लेवल्स अगर ब्रेक करता है अपर बैंड और लोअर बैंड का, तो नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, इसका अगर लो ये ब्रेक कर देता है, ये जो लो है ये अगर ब्रेक कर देता है, तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, ये हमारा एक फर्स्ट क्विकली टारगेट होगा जो कि 11,289 है, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 273, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, और अगर टूवर्ड्स ये अगर नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है, ये अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पीवट पॉइंट का ये जो लेवल है, ये जो पीवट पॉइंट का लेवल है इसके ऊपर यानी 11,345 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, आप देख सकते हैं
कल इसने यहाँ पर काफी टाइम यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट किया था इसी लेवल के पास, ये फर्स्ट आर, सेकेंड आर, थर्ड आर, इसी के पास इसने काफी सपोर्ट टेस्ट किया था और प्रीवियस डे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इसी लेवल के पास 11,345 यानी 350 के आसपास। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,385, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,419, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।